आप सबको पता है जी, शुएब अख्तर बहुत बड़े फ़ैन हैं ऋषभ पंत के। और शुएब अख्तर ने स्टेटमेंट दिया ऋषभ पंत की आज वाली इनिंग को लेके, जिस तरह उन्होंने बोला कि पंत का फेंटा और पंत की जो ये इनिंग है ये याद रखी जाएगी। साइड के ऊपर स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है। और सबसे पहले यार एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। यार आपके लिए इतनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह लेके आते हैं। शुएब अख्तर की बात करते हैं जी, शुएब अख्तर आपको पता है कि इंडिया की तारीफ इतनी ज़्यादा करते हैं, और वो कहता है कि मैं ना इंडिया की तारीफ़ करने पर ऊपर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि इंडिया जिस तरह क्रिकेट खेलता है ना जाके इन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो वो कहते हैं कि इंडिया ने मजबूर किया होता है कि उनकी तारीफ़ करें, उनके जो प्लेयर्स हैं। स्पेशली वो ऋषभ पंत की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर अभी इस दुनिया में या इस पूरे आप वर्ल्ड में देख लें तो नहीं है यार। वो बंदा हर गेम में हर किस्म का गेयर मतलब लगाना जानता है। वो स्लो भी खेलेगा, वो तेज़ भी खेलेगा, वो हेलीकॉप्टर शॉटें भी मारेगा, मतलब वो समझ लेंगे 360 वाला प्लेयर है शुएब अख्तर, ऐसा कहते हैं। और शुएब अख्तर कहते हैं कि आज वाले मैच में ऋषभ पंत ने अपनी क्लास शो कर दी है। टेस्ट मैचेस में तो वो परफॉर्मेंस दे ही दे रहे थे, लेकिन आज वाले मैच में ऋषभ पंत ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है ना, उन्होंने बता दिया है कि वो एक क्लास के बैट्समैन है। अगर क्लास का नाम बाबर आजम विराट कोहली में लिया जाता है ना, तो क्लास का नाम ऋषभ पंत में भी लिया जाता है। क्योंकि जो विकेट कीपर होता है ना, वो आता है पाँचवें छठे नंबर के ऊपर, और वो आगे 125 रन की इनिंग खेल रहा है। शुएब अख्तर ने बोला कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और वो इंडिया को कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं जो इंडिया ने 7 साल के बाद विक्ट्री हासिल की है, और कंप्रीहेंसिव विक्ट्री मैं उसे बोलूँगा, और ये विक्ट्री बड़े टाइम तक याद रखी जाएगी। देखें, इंडिया ने इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ साइड को जो है वो हराया है, क्योंकि इंग्लैंड की जो कप्तानी थी वो बटलर के हाथ में थी, और कप्तानी मैं बिल्कुल बोलूँगा कि बटलर को कप्तानी नहीं करनी आती, इंग्लैंड को आगे सोचना चाहिए। क्योंकि मॉर्गन के जाने के बाद इंग्लैंड की वो हालत है ना, वो 2015 वाली मुझे नज़र आ रही है। ये मुझे इंग्लैंड 2015 वाली नज़र आ रही है, शुएब अख्तर ने बोला जी। उन्होंने बोला कि ये 2019 वाली इंग्लैंड कतन तौर पे नहीं है, ये 2015 वाली इंग्लैंड है जो कि बांग्लादेश से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, और इंग्लैंड के हालात मुझे वापस उसी तरह बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ना भाईजान रूट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सीखना चाहिए ऋषभ पंत से कि किस तरह आपने टेस्ट में परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह आपने T20 में परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह आपने वनडे में परफॉर्मेंस देनी है। शुएब अख्तर ने बोला कि आज इंडिया ने बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त की है, लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते नज़र आए हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या जो शुएब अख्तर कह रहे थे कि एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर, एज अ फील्डर, कंप्लीट पैकेज है ये बंदा। दुनिया का इस टाइम बेहतरीन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जी। यार वो T20 में भी आपको परफॉर्मेंस दिला के गया है, T20 सीरीज उसने जितवाई है। यार वो बंदा आपको वनडे में भी परफॉर्मेंस दिला के गया है। उसने वनडे में आज वाले मैच में मैं कह सकता हूँ कि नीचे नीचे से आगे जिस तरह इनिंग खेली है, 50 स्कोर किया, उसके बाद 4 विकेटें उसने ली हैं, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई कंप्लीट पैकेज या कोई कंप्लीट ऑलराउंडर शुएब अख्तर कहता है कि मेरी नज़र में नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।